फर्जी तरीके से भारतीय कंपनियों में सेंध लगाने के चीनी नागरिकों की कोशिशों के खिलाफ कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने बड़ी मुहिम छेड़ी है। कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जरिए ऐसी शिकायतें दाखिल कराई हैं, जिस पर अब राज्यों की पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। आपको बताएं कि सबसे ज्यादा 150 लोगों के खिलाफ शिकायत महाराष्ट्र में की गई है। खबर का पूरा ब्यौरा समझते हैं, जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार हमारे साथ है। ब्रजेश, ये जो चाइनीज कनेक्शन पर एक्शन देखने को मिल रहा है, उसके उसका जो बैकग्राउंड है वो आपसे सबसे पहले समझना चाहते हैं और क्या कार्रवाई हुई है। देश में करीब 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। अलग अलग राज्यों में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं उन्होंने स्थानीय पुलिस में ये एफआईआर कराई है। करीब 400 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर फाइल हुई है। इसमें दरअसल होता ये था कि बहुत सारे जो चाइनीज लोग हैं वो पहले कंपनी बनाते थे, कंपनी में भारतीय लोगों को डायरेक्टर बनाते थे, बाद में उन भारतीय डायरेक्टरों से इस्तीफा दिलवा देते थे और खुद डायरेक्टर बन जाते थे। तो एक तरह से भारत में कंपनी बनाकर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश जो है ये चाइनीज लोग कर रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा जो मामला पकड़ में आया है वो महाराष्ट्र में है। करीब 150 लोगों के खिलाफ जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की शिकायत पे, और जिसमें से कि 60 विदेशी लोग थे, जिसमें 40 चाइनीज नागरिक हैं, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। साथ ही ये इन कंपनियों में जो डायरेक्टर एक तरह से कहें कि लालच में आकर जो बन जाते थे वो लोग, साथ ही कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ कंपनी सेक्रेटरी जो इस तरह से कंपनियां बनाने में, शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करने में और एक तरह से कहें कि सेंध लगाने में चाइनीज लोगों की मदद कर रहे थे, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। ये अभी आया है और मुमकिन है कि और भी लोगों के खिलाफ इस मामले में और कार्रवाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ओर से की जाए। जी बिजनेस ने जब ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया था तब ये बताया था कि किस तरह से जो डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर किस तरह से चाइनीज निवेशक एक तरह से भारतीय जो NBFCs हैं उनको कंट्रोल करते थे पूरी तरह से, और मोटे ब्याज पर जो है पैसे बांटते थे और उसके बाद वसूली के अलग अलग हथकंडे अपनाते थे। तो उस तरह से ही अगर देखें तो ये बड़ा चाइनीज घुसपैठ का मामला कंपनियों में सामने आया जिस पर अब एक्शन हो रहा है। तो बड़ा मामला चाइनीज घुसपैठ का, वो भी कंपनियों में। जानकारी देने के लिए ब्रजेश बहुत धन्यवाद करेंगे।